शहर के विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड विजेता गायक सुनील वाघमारे द्वारा फेसबुक लाइव पर लगातार 150 दिन हजारों गाने गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज उनके इस प्रोग्राम का 125वां दिन है। इस मौके पर सिराज शेख, गिरीश गांधी, उन्नी कृष्णन, डॉक्टर विकास महात्मे खास तौर पर मौजूद थे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर खिलाड़ी और कलाकारों की कोई कमी नहीं है, जिनकी तादाद लाखों में है, लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनके शुमार लाखों में एक होता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शहर के गायक सुनील वाघमारे की, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गाना गाकर किया था। कोरोना के कार्यकाल में सभी प्रोग्राम बंद थे, ऐसे में दर्शकों के लिए विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान की ओर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए लगातार 150 दिन फेसबुक लाइव प्रोग्राम सुनील वाघमारे दे रहे हैं। आज उनका 125वां दिन था। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आ जा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। सुनील रोजाना FB लाइव के माध्यम से सैकड़ों गाने गाते हैं। सुनील वाघमारे द्वारा दर्शकों के लिए किए जा रहे उनके इस प्रोग्राम को शहरवासी खूब पसंद कर रहे हैं। आज का 125वां दिन था। इस अवसर पर शहर के खासदार डॉक्टर विकास महात्मे, BCN न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर सिराज शेख, वनराय के गिरीश गांधी, उन्नी कृष्णन आदि लोगों ने 125वें दिन पर उपस्थिति दी और सुनील वाघमारे को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर तमाम महानुभावों ने BCN समक्ष जानकारी दी। संगीत एक इबादत है। संगीत हर वो चीज़ है जो जीवन में एक आनंद देती है। संगीत से कई रिश्तों को जोड़ा जा सकता है, संगीत से प्यार बढ़ता है और संगीत से ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे शहर के एक ऐसे उम्दा कलाकार की, सुनील वाघमारे की, जो पिछले 22 सितंबर से लगातार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। फेसबुक लाइव के माध्यम से वे अब तक के 99 प्रोग्राम कर चुके हैं। आज का 125वां दिन है और आज के इस 125वें दिन के अवसर पर आज शहर के अच्छी अच्छी पर्सनलिटी यहाँ पर मौजूद है उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। आइए हम रुक करना चाहेंगे डॉक्टर विकास महात्मे जी इस समय हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। विकास महात्मे साहब, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुशी हो रही कि हमारे विदर्भ के जो गौरव है सुनील जी वाघमारे, वो सोशल मीडिया पे कंटिन्यूसली 99 दिन हो गए उनके और 150 का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनको करना है और मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और इसी इस पर सोशल मीडिया पर जो भी प्रोग्राम वो कर रहे हैं उससे काफ़ी लोग प्रभावित भी हैं और वो सबको खुशी बांट रहे हैं, इसलिए मैं उनका यानी अभिनंदन करना चाहूँगा और उन्हें शुभेच्छा देना चाहूँगा कि वो 150 पूरे करें और यह मुझे विश्वास है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आएगा। इसके पहले भी उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हुए हैं। उन्नी कृष्णन साहब, आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लास्ट 50 साल से मैं नागपुर में हूँ, यही लाइन में, जो म्यूज़िक के लाइन में जो है, लेकिन इतने होने के बाद में भी सुनील जो है अपना जो क्रेडिट मींस अपना मेहनत करके जो है ना, अभी जो ये पहले तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, अभी यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना, मैं अभी आपको अभी 100 दिन हो गया है उसके 150 होने के लिए मैं उनको शुभकामना दे देता हूँ। बिल्कुल, शुभकामनाएं देने का दौर भी जारी है। हमने देखा कि चाहे उन्नी कृष्णन जी हो या डॉक्टर विकास महात्मे, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले में सुनील वाघमारे, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किया था, तब इन BCN न्यूज चैनल ने तमाम दर्शकों तक ये न्यूज़ पहुँचाई थी, लाइव प्रोग्राम भी दिया था और ये जो कामकाज उनके पीछे में जो एक सह्याद्री के पर्वत जैसे जो मजबूती के साथ खड़े थे, ऐसे इन BCN के मैनेजिंग डायरेक्टर सिराज शेख सर हमारे साथ में, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। सिराज साहब, जिस प्रकार से सुनील वाघमारे ने जो प्रोग्राम किया था, आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया था और अब की बार वे फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से, आज का 125वां दिन है और ये जो उनका कामकाज है, क्या कहना चाहोगे? सुनील वाघमारे जी जो है काफ़ी दिनों से हम उनको जानते हैं, उनका जो जुनून जोश जो संगीत को लेके है वो नागपुर में काफ़ी कम लोगों में देखा गया है। इसलिए वो BCN से जब फर्स्ट टाइम मिले तो BCN ने उनको पूरा सपोर्ट किया था कि आप गाए, और फर्स्ट टाइम ऐसा होता कि नागपुर में हमने लाइव दिखाए थे वो प्रोग्राम को, और काफ़ी 100 दिन लाइव दिखाना बोलो तो बहुत बड़ी बात थी।
इसी टाइप से उन लोगों का अभी जो 150वां दिन है उसमें भी हम लोगों ने कॉपरेट किए हैं, और आने वाले दिन में संगीत से रिलेटेड जो भी और करेंगे हम लोग उनको सहयोग करेंगे। अक्सर येशुदास के आप गाने गाते हो, कैसा महसूस करो, एक कलाकार दूसरे कलाकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज ये शतक लगा रहे हैं हमारे सुनील वाघमारे जी। आज का दिन रियली नागपुर के लिए भी बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि संगीत के क्षेत्र में मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को लेकर हमेशा से सुनील वाघमारे जी सामने आए हैं, और उन्होंने इसके पहले भी गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये और एक बड़ा संकल्प, नया संकल्प लेकर इस बार आए हैं FB लाइव पर 150 दिन करने का संकल्प, और हमें पूरी आशा है कि ये पूरे 150 दिन भी करेंगे और आगे भी करेंगी, और हमारा पूरा सहयोग और हमारा पूरा इनके लिए पूरा शुभकामनाएं हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम शहरवासी इस प्रकार की शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में हमारे साथ में जो ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विक्रमादित्य, जिनके नाम से पहचाना जाता है, सुनील वाघमारे गायक भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सुनील जी, ये बताएं कि जब आप इस तरह की जो तैयारियां करते हो, किस प्रकार की तैयारी करते हो और कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि आज का 100वां दिन है, बहुत बड़ा दिन है। सर, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, बिना तैयारी के उतरना उचित नहीं है, और ये जो है अचीव जो है जब करने के लिए मन बना लेता हूँ तो पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती है, तो उसी हिसाब से तैयारी करके मुझे ये क्षेत्र में उतरना पड़ता है, और इसके लिए भी मैंने 4 महीने लगातार तैयारी की, और उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उतरा हूँ, और बाकायदा परमिशन के साथ में उनका मेंबरशिप नंबर ID नंबर लेकर मेरे इस कार्यक्रम के लिए मैंने तैयारी की, और टोटल 900 गीतों का समावेश मैंने इसमें किया हुआ है, और आज तीसरा राउंड है 900 गीतों का, आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। और इन विषय द्वारा आपको जो मतलब आपके पीछे में जो पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं बेशक सर, क्योंकि मुझे पहले भी BCN न्यूज़ के ऑनर आदरणीय सर सिराज भाई शेख साहब और बाकी की उनकी पूरी टीम जो है वो मदद करती रहती है, तब भी मुझे मदद मिली थी और अब भी मुझे मदद मिले मैं उम्मीद ही करता हूँ, और मुझे मालूम है कि वो मुझे मदद करेंगे, और सभी तरह से मुझे मदद मिल रही है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आप थे सुनील वाघमारे, जिन्होंने बखूबी और बेबाक के साथ बात करते हुए ये कहा कि मंजिल को पा सकते हैं बशर्ते हमें कामकाज करना होगा, क्योंकि संगीत एक इबादत है और उसकी उसको पूरा शिद्दत के साथ जो भी करेगा वो परचम हासिल कर सकता है। इसमें हमारे साथ में गिरीश गांधी जी भी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आप जिस प्रकार से सुनील वाघमारे 100 दिन पूरे करने जा रहे हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से? कुछ व्यक्ति शहर में ऐसे होते हैं कि जिनके कारण शहर की पहचान होती है। सुनील वाघमारे एक ऐसा ही नाम है कि जिसके कारण नागपुर शहर की पहचान न केवल राज्य में अपितु देश और विदेशों में भी हो रही है। आज वो अपना गिनीज बुक रिकॉर्ड जो भी है गिनीज रिकॉर्ड में, उस अवसर पर 100 दिन पूरे कर रहे हैं, इसकी मुझे बेहद खुशी है। सारी नागपुर की जनता की ओर से, विदर्भ की जनता की ओर से, एवं संगीत के क्षेत्र में कार्यरत रहने वाले सभी लोगों के तरफ से उनको मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, एवं नए वर्ष के इस उपलक्ष्य में उनको सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। तो आप थे गिरीश गांधी, जिन्होंने बखूबी और बेबाक के साथ बात करते हुए तमाम बातों पर रोशनी डाली, और उनका भी ये मानना है कि शहर की पहचान उन व्यक्तियों से होती है जो कुछ करना चाहते हैं। सुनील वाघमारे का भी एक नाम है। संगीत है स्वर राग की, हर राग में बसे है राम, रागी को मिले रागिनी और रोगी को मिले आराम। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मिरे, NBC न्यूज़ नागपुर।